तो दोस्तों आज हम बात करेंगे GSPL के स्टॉक के बारे में। GSPL के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर अप ट्रेंड में देखने मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था, लेकिन और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन जब से यहाँ पर स्टॉक ने अपने इस चैनल को ब्रेक किया तब से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.14% की यहाँ पर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 255 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 249, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 242, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 233 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अभी रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 268 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 278, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 291, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 304, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 310-320 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।